मैं आपसे सिर्फ दो तीन चीज बोलना चाहता हूं। सबसे पहले कमल, जो आपने बोला कल्चर इज परमानेंट, कम्युनिटी इज परमानेंट, पॉलिटिक्स इज टेम्पररी, दफा इज परमानेंट, पावर इज टेम्पररी, लैंड हा इज परमानेंट, हाउस इज टेम्पररी। जो कम्युनिटी अपने इतिहास को, जो कम्युनिटी अपने दफा को और जो कम्युनिटी अपने कल्चर को समझ नहीं सकता है, उसको आप खत्म कर सकते हैं। जो कम्युनिटी डिवाइडेड हो, जिस कम्युनिटी में एकता या थानसा नहीं हो, उसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं। आज यहां मैं आया हूं क्योंकि हमारा हिस्ट्री बहुत रिच है, हमारा इतिहास बहुत अच्छा है, बहुत महान है, लेकिन हमारा भविष्य क्या है? What is the future for the next generation of Tiprasa people? Koloi, Jamatia, Riang, Debarma, Tripuram, Kaiping, anyone, Murasing, anyone. यहां में फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तभी होगा जब हम लोग जो इस मंच में बैठे हैं वो पॉलिटिक्स कम करें और दफा के बारे ज्यादा सोचे। मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूं? लालच, ग्रीड और ईगो हमारा कमजोरी है। मैंने देखा है सबको मंच में आना है, सबको भाषण देना है, सबको पावर चाहिए, लेकिन आप पावर में क्यों आना चाहता है? मैं पावर में इसके लिए आना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास अगर पावर आए तो मैं अपना गरीब तिपरासा को कुछ दूं। मैं पावर आपको देना चाहता हूं। और बहुत लोग हैं जिसको पावर चाहिए पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए। वो पैसा ज्यादा दिन नहीं रहेगा, वो पैसा आ जाएगा, कल निकल जाएगा, लेकिन अगर आपने अपना कम्युनिटी को अमीर किया, उनको आगे दिखाया, आगे बढ़ाया, तो उनका जो प्रार्थना है, जो दुआ है, वो आपको पूरा जिंदगी अमीर रखेगा। यहां में कलोय कम्युनिटी बहुत कम है, छोटा कम्युनिटी, लेकिन आप लोग के अंदर बड़ा बड़ा लीडर्स निकला। सबसे बड़ा देवव्रत कलोय। जब मैं छोटा था तो देबू हमको बोलता था, देवव्रत कलोय का बहुत दिमाग था, लेकिन उसने एक बात हमको बोला, बुबाग्रा हमने सबसे बड़ा गलती किया, तेलियामुरा में अपना जमीन को जाने दिया। आज देवव्रत कलोय हमारे संग नहीं है, लेकिन मेरे जो उसने मुझे उस समय कहा कि तेलियामुरा हम लोग का था, आज हम लोग का नहीं है, ये बात मेरे दिल के अंदर आज भी है। क्यों हुआ ये? थनसा नहीं। आज न्यूज़पेपर में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में एक नया हवा चला है, जो भी क्रिश्चियन है उनको एसटी स्टेटस नहीं देना चाहिए। मैं तो हिंदू हूं, मुझे बताओ
अगर यहां मैं कोई क्रिश्चियन को हटाया तो मुझे कुछ मिलेगा? कोई हिंदू को कुछ मिलेगा? अगर कोई मुसलमान को मारा तो हिंदू को कुछ मिलता है? कहीं मैं हिंदू को कुछ मारा तो क्रिश्चियन को कुछ मिलता है? किसी को मारने से, किसी का घर जलाने से आपका घर नहीं बनेगा। लेकिन यहां में इंटेलेक्चुअल नेता लोग, ये लोग ये नहीं बोल सकता है कि तिपरासा का जमीन तिपरासा को वापस दो, तिपरासा को नौकरी दो, तिपरासा को अधिकार दो, तिपरासा को हॉस्पिटल दो, तिपरासा को रास्ता दो, ये नहीं बोलेगा। बोलेगा तिपरासा को हिंदू क्रिश्चियन में डिवाइड करो। माय डियर तिपरासा लोग, माय डियर पीपल, चाबी कोई और लगा रहा है, फिर से चाबी कोई और लगाता है और बोलता है बुकुंग बारा लोग, क्योंकि हम लोग कमजोर हैं। और हमको अगर आज तिपरासा कम्युनिटी डिवाइड हुआ रिलीजन के नाम में, धर्म के नाम में, अपना सरनेम के नाम में, तो और लोग बांग्लादेश से आके हमारा जमीन लेगा और तिपरासा जो आज सिर्फ 30% है, आज 20% होकर अपना भूमि को, अपना हाथ को सुरक्षा नहीं कर पाएगा। अगर 1974 में जब डुम्बुर हुआ था, जहां से अपना त्रिपुरा, जमत्या, रियांग को निकाला गया डुम्बुर के लिए, अगर उस टाइम तिपरासा का थानसा होता ना, अगर उस टाइम हम लोग सब जमत्या, देव वर्मा, त्रिपुरा, रियांग, कलॉय, रंगखोल, सब 19 का 19 ट्राइब, 20 का 20 ट्राइब अगर एक होता ना, तो कोई हम लोगों को हटा नहीं सकता। लेकिन थानसा नहीं था, इसके लिए हुआ। थानसा नहीं था, इसके लिए आज हम लोग अपना जमीन में ही सेकंड क्लास सिटीजन बन के हैं। किसी को ब्लेम मत करो, गलती हमारे अंदर है। आज फिर से ये लोग हम लोगों को तोड़ना चाहते हैं। ये फाइट क्रिश्चियन हिंदू का नहीं है, ये फाइट तिपरासा का अधिकार के लिए है। और तिपरासा कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जो भगवान को विश्वास भी नहीं करता, एथियस्ट हो, ये फाइट तिपरासा कम्युनिटी का है, कोई धर्म का नहीं है। सो डोंट अलाउ एनीवन। और जो लोग नेतागिरी करके हम लोगों को बांटना चाहता है, एक दिन उनका घर में भी वो मार खाएगा और बाहर के लोग आकर उनका घर लेगा। बेवकूफी मत करो, ये लोग का एजेंडा ही हमको डिवाइड करने का है। लेकिन यहां में हौदा है, ओकरा है, और मैं आपको बोलना चाहता हूं, यू आर द फर्स्ट तिपरासा, देन यू आर एवरीथिंग एल्स। सबसे पहले आप तिपरासा बनो, पार्टी कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नाम कुछ भी हो, किसी का नाम कमल तो किसी का नाम माइकल, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का नाक चेपता है, दोनों मार खाएगा अगर थानसा नहीं रहा तो। ठीक बोल रहा है कि नहीं? अगर तला में जाके कोई बोलेगा कि मेरा नाम राकेश है, तो क्या यही लोग माला लगाएगा आपके गले में? नहीं, बोलेगा ये नाक चेपटा। कोई आके बोलेगा माय नेम इज माइकल, तो आपको कुछ मिले? कुछ नहीं। आप लोग बुकुंग बारा है, आपका आइडेंटिटी एक है, आपका थुई एक है, आपका भविष्य भी एक होगा अगर आपके अंदर थानसा रहेगा तो। यहां में हमको
सोचना पड़ेगा क्या चाहिए, क्या चाहिए तिपरा साहब को, सिर्फ पॉलिटिक्स करना है कि अपना बच्चा का भविष्य के बारे में सोचना है, सिर्फ अपने बारे सोचना है कि अपना दोफा के बारे सोचना है। मैं जहां भी हूं मुझे पैसा नहीं चाहिए। भगवान ने राजबाड़ी दिया, मां बाप ने घर दिया, पैसा दिया, लेकिन जिंदगी में आपका मां आपका बाप आपको घर दे सकता है, पैसा दे सकता है, खाना दे सकता है, लेकिन जिंदगी में आपको अगर नाम कमाना है ना तो वो आपका मां बाप नहीं दे सकता है, वो आपको खुद कमाना पड़ता है। और मैं जानता हूं कि मैं मुझे अच्छा नाम कमाना है तो सबसे पहले दोफा को कुछ दो। दोफा अगर बोलेगा बुबागरा ने हमको कुछ दिया तब अच्छा नाम मिलेगा, वो जन्म से नहीं मिलता है, वो काम से मिलता है। और मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, ये मेरा कमिटमेंट है। कुछ नहीं चाहिए मरने से पहले। कोई बोलेगा हां किरीट विक्रम मानिक्य के बेटा ने कुछ किया, महाराजा वीर विक्रम के नाती ने कुछ किया, एमएलए मंत्री तो बनते रहेगा, एमपी तो बनते रहेगा, लेकिन कम्युनिटी को क्या दिया उससे मेरा नाम जुड़ेगा, मैं क्या बना उससे कुछ नहीं मिलेगा। यहां में यह आपका ट्रेडिशन है और मैं आपको एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यहां में जमतिया होला भी है, जब कल्चरल प्रोग्राम हो तो आप किसी को भी निमंत्रण दो, निमंत्रण चीफ गेस्ट इनॉग्रेटर स्पेशल गेस्ट कुछ भी हो, मेन गेस्ट तिपरा साहब कम्युनिटी से होना चाहिए। कभी कभी मैंने देखा है कि आप किसी और को भी मैं नहीं बोला हूं, बुबागरा को ही बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, शुक्ला को बुलाओ, अपना सांताना को बुलाओ, विकास को बुलाओ, जितेंद्र चौधरी को बुलाओ, कोई आपत्ति नहीं, तिपरा साहब को बुलाओ। किसी और का प्रोग्राम में आप कभी भी नहीं देखेगा कि तिपरा साहब को चीफ गेस्ट बनाया जाता है, लेकिन तिपरा साहब ओ वो मंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, वो एमपी है, तो यहां में बैठा दो। ये हमारा कल्चर नहीं, कल्चर एक जगह में, जाति एक जगह में और राजनीति दूसरा जगह में। कहीं से भी बुलाओ, आगरदेव वर्मा को बुलाओ, सबको बुलाओ, सीपीएम कांग्रेस बीजेपी मोथा कुछ भी हो, लेकिन तिपरा साहब को आप मुख्य अतिथि बनाओ, क्योंकि तिपरा साहब को वो लोग अपना प्रोग्राम में मुख्य अतिथि कभी नहीं बनाता है, तो हम लोग अपना कल्चरल प्रोग्राम में क्यों किसी और को वो जगह दे। वो सम्मान समाजपति का होना चाहिए, दोफा का ओकरा का होना चाहिए, जाति का होना चाहिए। अपने आप को हल्का मत करो, डोंट मेक योर सेल्फ लाइट। लास्ट, आपने मुझे यहां में बुलाया, सम्मान दिया, एंड मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ये जो लाइट यहां में थोड़ा उस तरफ करने से अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको भी देखना चाहता हूं। आई लव यू, आई वॉन्ट टू फाइट फॉर यू एंड आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो सबसे पहले तिपरासा के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपने बारे सोचता हूं। और यहां में विश्वजीत है, कमल है, मानव है, रुनिल है, अपना वृषिकेतु है, पूर्णो है,
वहां में सिंधु है, बहुत लीडर्स है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, टिपरा मोथा जब तक टिपरा सा के लिए काम करेगा तब तक रहेगा, जिस दिन दूसरा पार्टी जैसा बन जाएगा, हाँ ये आई लव यू, जब तक आप इनके लिए काम करोगे ये परमानेंट है, बाकी सब कुछ टेम्पररी है। जब आप कुछ नहीं रहेगा ना पूर्णो, ये लोग आपको भांगुई देगा। जब आप बीमार होगा ना, पॉलिटिशियन आपको भूल जाएगा, कमल आपको भूल जाएगा, ये गरीब तिपरासा आपको बिथी लाके देगा गांव से, क्योंकि यही है हमारा भविष्य और यही है हमारा पावर बनाता है आदमी को, इंसान को। इज्जत दो और इज्जत आपको वापस मिलेगा। आई लव ऑल ऑफ यू, आई लव यू, आई लव यू, दिल से प्यार किया। अगर कहीं में कुछ गलती हुआ है तो बुबाग्रा सॉरी बोलता है, लेकिन एक बात है, आपको मैं कुछ ना कुछ तो दूंगा, बिना फाइट करके कॉम्प्रोमाइज करके आपको धोखा नहीं दूंगा। आई लव यू, लॉन्ग लिव टिपरा सा दोफा। आज कलोय का है तो लॉन्ग लिव कलोय समाज। कल एके मिश्रा आ रहा है, मीटिंग है, समाजपति को इज्जत मिलकर कल मीटिंग होगा। आप लोग दोफा के बारे बात कीजिए, अपना पॉइंट रखिए, आप लोग कोई पार्टी से नहीं है, आप तिपरासा के बारे बात कीजिए। कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरलोकेटर आ रहा है, सब समाजपति वहां में रहेगा, कम्युनिटी के बारे बात कीजिए। बुबाग्रा को जय मत बोलो, हां को जय बोलो, फ्यूचर को जय बोलो, और एक रहो, नो रिलीजन ओनली जाति, पुइला जाति उलोबो जाति। ये जो धर्म का राजनीति करता है तोड़ने का काम कर रहा है। जाति को पहले रखो और एक दूसरे को प्यार करो। मेरा धर्म प्यार करने का है, उनका धर्म बांटने का है। वो फर्क है एक राजा में और एक नेता में, ये फर्क हमारे तिपरासा को समझना चाहिए। बेलाई बेलाई नो हम बाय खुलुंखा। थैंक यू।